न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में शुक्रवार को उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के सानिध्य में आयोजित बैठक में उपखंड के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए विभागीय कार्यों की प्रगति और समीक्षा प्रस्तुत की। बैठक के दौरान एसडीएम सिंह ने उपस्थित सभी से विभागीय गतिविधियां जारी रखते हुए राज्य सरकार की मंशा का ध्यान में रखते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारियों का दायित्व है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक सहज और सुगम तरीके से पहुंच सके। योजनाओं के लाभ के लिए आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी के भवन नहीं होने की समस्या बताई गई, जिस पर एसडीएम ने नगर परिषद और विकास अधिकारी जबाजा को इस हेतु निर्देशित भी किया। बैठक में 10 से 15 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में खून की कमी के चलते एनीमिया रोग की जानकारी पर एसडीएम ने एसडीएस की ओर से इसका सर्वे करने के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर परिषद आयुक्त विकास कुमावत, सार्वजनिक निर्माण विभाग से एसएस सलूजा, जलदाय विभाग से अशोक कुमार मीणा, एसडीएस से नितेश यादव, सहकारी विभाग से हीरालाल, आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर पारस चौहान, एटीपी कवल सिंह शेखावत, हंसा जोशी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन और विद्युत विभाग से अशोक खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। ब्यावर में सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी, यानी कि सारे के सारे विभाग के ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उनके द्वारा जो भी सरकार की मेजर स्कीम्स हैं उनका हमने जायजा लिया और देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या टारगेट्स हैं और कब 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 तक सारे टारगेट्स अचीव होंगे। इसमें से कुछ जो मेजर इश्यूज थे वो थे ICDS आंगनवाड़ी को लेके, जहाँ पे कुछ इनके रूरल और अर्बन में कुछ भवन नहीं है, तो वहाँ पे हमने नगर परिषद और BDO साहब के माध्यम से इनको भवन दिलाने की बात की है और ये भी बोला है कि आगे आने वाले कुछ समय में हम 10 से 15 कुछ मॉडल आंगनवाड़ियों को भी डेवलप करेंगे। इसमें संबंधित विभाग को बोला है कि वो जाके एक बार अपना स्टडी करे और अपना एक्शन प्लान बनाए। सिमिलरली देखा गया है कि स्पेशली ये वाले अपने जवाजा ब्लॉक में विमेन के अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति दिवस तो आयोजित होता है, लेकिन पहले भी कलेक्टर साहब का विजिट हुआ था तो उसमें हमने देखा कि वो पर्याप्त नहीं है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट व स्कूल ICDS के माध्यम से एक सर्वे करने का प्लान है। अभी हम लोग हम उस पर एक्शन लेंगे एक एक्शन प्लान बना के। ऐसे ही हमने बाकी और उनका सर्वे किया, लेबर डिपार्टमेंट से ये जाना कि अपने एरिया में कोई चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर के केसेस तो नहीं है। PWD के द्वारा जो भी काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की गई, तो बेसिकली हर डिपार्टमेंट के मेजर स्कीम्स में क्या टारगेट्स थे, क्या इशू हैं और क्या स्टेटस है, उसका रिव्यू लिया गया। ये हर हर महीने में एक बार लेते ही हैं।